नेताजी अगर स्वस्थ होते तो वो आपसे मिलने जरूर आते। नेताजी का वो जमाना होता तो समाजवादी पार्टी होती तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देता। मैं अगर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता और नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो इस सरकार को चलने नहीं देते, इस सरकार के आपके मुद्दे पर पूरे प्रदेश को बंद कर देते और धरने पर बैठ जाते। यही कहा होगा शिवपाल यादव ने। जितना मैं शिवपाल यादव को जानता हूं, जब भी वो किसी से बात करते हैं नेताजी को जरूर उद्धृत करते हैं। और उन्होंने आजम खां से कहा होगा कि आजम भाई, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव स्वस्थ नहीं है, सक्रिय नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर वो होते और आज वो दौर होता तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम करता, ये जो अपना प्रदर्शन होता और ये सरकार मजबूर हो जाती रिहा करने के लिए। ऐसा कहा होगा ये, मैं जो उनको आज से 20 साल से ज्यादा से कवर कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी को, आजम खां को देख रहा हूं, शिवपाल को देख रहा हूं, मुलायम सिंह को देख रहा हूं, अखिलेश को देख रहा हूं, उस अनुभव के बिना पे कह रहा हूं कि डेढ़ घंटे सवा घंटे की मुलाकात में शिवपाल यादव ने अफसोस जताया होगा कि वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जिसकी स्थापना आपने किया था आजम भाई, मुलायम सिंह ने किया था, मैंने किया था, जिसे खून से सींचा था, जिसे संघर्षों से संवारा था, उस पार्टी को हम अब दूर से देख रहे हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, संघर्ष नहीं हो रहा है, अखिलेश को आना चाहिए था। ये भी कहा होगा आजम भाई, अखिलेश को आना चाहिए था, यहां पर धरने पर बैठना चाहिए था, आपका हालचाल लेना चाहिए था। ये कह आपके अनुभव से उपजा जो ये अनुमान है ये बिल्कुल सटीक हो सकता है वीरेश, वर्तमान परिस्थितियों में। और चूंकि आप शिवपाल की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव की जो कि मुलाकात करके निकल गए, इसलिए उनके बारे में एक बार जरूर जानकारी ले लेते हैं पंकज से, जो वहीं जेल के बाहर मौजूद है, सीतापुर जेल के बाहर। पंकज, आप लगातार निगाह रखे हुए हैं उनके किसी भी मूवमेंट पर, क्या आपको जानकारी मिल रही है, क्या वहां से वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं या उनका गंतव्य कहीं और है? पंकज जी, देखिए शिवपाल यादव जो है सीतापुर से आजम खां से मुलाकात करने के बाद वो सीधे अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और एबीसी गंगा की टीम उनके पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ी से हैं, उनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है और अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी स्पीड से वो आए थे और आज कुछ तक वो सफल हुए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जिस मकसद वो सीतापुर आजम खां से मिलने पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस समय उनके पीछे पीछे सीतापुर लखनऊ NH-24 है हाईवे, उस पर एबीसी गंगा की टीम चल रही है और इस बीच अगर उनको हम पकड़ पाते हैं तो प्रयास भी करेंगे कि एक बार पाटा हो जाए। लेकिन एक बड़ी बात कही है आज शिवपाल यादव ने आजम खां से मिलने के बाद। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो जो है इस मामले को लेकर बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। तो संकेत साफ है कि जो प्लान है भाजपा का वो सफल होती दिख रही है और आजम खां बहुत जल्द बाहर भी आ सकते हैं, शिवपाल यादव ने भी कहा। बड़ी बात जी, ये बड़ा स्टेटमेंट है बेशक। पंकज, ये आपने महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की कि उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आजम खां के प्रकरण को लेकर मुलाकात करेंगे। और आप चूंकि उनकी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि उनकी दिशा लखनऊ की ओर है, इसलिए हम शैलेश के पास भी चलेंगे और शैलेश से जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है इस वक्त। शैलेश, देखिए शिवपाल यादव का वहां से वापस आना और इसके बाद देखिए अगर माने तो सोर्सेज की, तो यहां पर आने के बाद संभव है कि शिवपाल यादव जो है अपनी पार्टी के कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं और संभव है कि इस पर चर्चा भी हो। आज की जो मुलाकात हुई आजम खान के साथ में उनकी, बहरहाल इतना तो तय है कि शिवपाल यादव ने आज जब आजम खान से मुलाकात की तो अपना दर्द भी वहां पर निश्चित रूप से उनका बाहर छलका और दोनों ने कह सकते हैं एक दूसरे के दर्द को बांटा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में एक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक है और दूसरे जो है वो समाजवादी पार्टी के पर विधायक है लेकिन सहयोगी दल है, वो चाचा भतीजे वाला रिश्ता नहीं रह गया है, नजर नहीं आता है। तो एक दूसरे के सामने जो दर्द छलका और उसके बाद कहते हैं कि जब दो लोग दुखी होते हैं एक दूसरे का सहारा बनते हैं और ये दोनों जब एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो कहीं आप देखें तो सपा के लिए मुश्किलों भरे हालात होंगे। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके लिए मुश्किलों भरे हालात होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो दुखी लोग अभी मिले हैं, दो असंतुष्ट लोगों की अभी मुलाकात हुई है जेल में और उनमें से एक व्यक्ति ने ये कहा है निकलते वक्त शिवपाल यादव ने कि वो मुख्यमंत्री से जाकर आजम खां की सारी बात कहेंगे, उनके प्रकरण का सारी बात, सारा ब्यौरा उनके सामने रखेंगे। शैलेश, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको कोई जानकारी मिल रही है कि वापस लौटते ही लखनऊ शिवपाल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या उनको कोई समय मिला है या वो इस प्रकार का कोई संकेत जो आपके पास हो? शैलेश,
देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री लखनऊ से बाहर हैं और अभी तक जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसमें कहीं पर भी शिवपाल यादव से मुलाकात का समय नहीं है। लेकिन देखिए ये ऐसा मामला है, इसमें ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि उनको पहले से समय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अगर मुलाकात होनी होगी मुख्यमंत्री से शिवपाल यादव की, तो ये मानकर चलिए कि झटपट में सब कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर शिवपाल यादव आए थे, जब उन्होंने विधायक पद की शपथ ली थी, उस समय भी आप अगर ध्यान कीजिए तो मुख्यमंत्री से मिलने वो गए थे, तो उनके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहीं से पहले से शेड्यूल में नहीं था शिवपाल यादव से मुलाकात का। लेकिन शिवपाल यादव आते हैं, यानी बातचीत होती है, शिवपाल यादव जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है उनके आवास पर, और उसके बाद जो पीछे का गेट था, एक देखिए मुख्यमंत्री आवास के दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता शिवपाल यादव का जहां से घर है वहां से बिल्कुल करीब में है, तो अपने उस रास्ते से शिवपाल यादव अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने आवास पर रवाना हो गए थे, ताकि किसी को भनक भी ना लगे। तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि अगर शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, और जिस तरह की तस्वीरें अभी सीतापुर जेल से आई कि कहीं पर कोई प्रशासन रोक नहीं रहा है, क्योंकि वो भी चाहता ऐसा लगता है कि मीडिया के सामने शिवपाल यादव अपने जो दुख भरे हालात है, जो उनके अंदर का दर्द है, उसको छलकाएं, अपने मन की बात को बाहर लाएं, ऐसा लगता है जैसे। तो निश्चित रूप से जब शिवपाल यादव यहां पर आएंगे और वो मिलना चाहेंगे अगर मुख्यमंत्री से, तो उनसे समय मांगेंगे, और संभव होगा अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम नहीं लगे होंगे तो चले। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उनको किसी बहुत विशेष समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हालात हैं। और ये जो आपकी बात है, इस बात के कई मतलब हैं, इस बात के कई निहितार्थ हैं, इसके कई मायने हैं, इसके कई पहलू हैं, और इस पर हम वीरेश पांडे से जरूर सवाल करेंगे, क्योंकि वीरेश ने अपना अनुमान जाहिर किया है इस मुलाकात का, कि इस मुलाकात में क्या बात हुई होगी शिवपाल और आजम खां के बीच में, और ये उनके अपने अनुभव से निकला हुआ अनुमान है। इसलिए अब जो तथ्य सामने हैं उस पर हम वीरेश पांडे से जरूर बात करेंगे और समझेंगे कि अगर मुलाकात होती है। ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित तब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। अब मुझे पता नहीं, मुझे आज शिवपाल यादव ने जेल में जाकर मुलाकात की, एक घंटे से ज्यादा उनकी मुलाकात का वक्त रहा, और बाहर आने के बाद जो कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और मुख्यमंत्री से भी आजम भाई की बात को रखेंगे, मुख्यमंत्री संत हृदय अगर है तो इस पर जरूर विचार करेंगे, और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री जी के सामने रखने वाले हैं शिवपाल यादव आजम खां की सभी बातों को। पंकज हमारे संवाददाता लगातार उनकी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, जेल से निकलने के बाद उनके वाहन के साथ चल रहे हैं। पंकज के पास बताने के लिए कोई अपडेट है इस वक्त? पंकज बताइए, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल राजेंद्र, आपको जो मात्र विधायक हैं और दो दो गाड़ियां पुलिस की स्कॉर्ट करते हुए हाईवे पर लखनऊ की तरफ ले जाती हुई आपको नजर आएंगी। अब एक बीच गाड़ी में शिवपाल यादव बैठे हुए हैं, जो आज मुलाकात करने पहुंचे हैं। पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से उन्होंने आज जो है वो नहीं किया है, मुलाकात नहीं की है, लेकिन सिर्फ आजम खां से मिले और आजम राजधानी की तरफ पूछ कर चुके हैं, और अभी एक घंटा उन्हें लगेगा लखनऊ पहुंचने में। एबीपी गंगा की टीम उसी काफिले में चल रही है, तीन गाड़ियां हैं जिसमें एक गाड़ी पर शिवपाल यादव बैठे हुए हैं, और दो गाड़ियां एक आगे स्कॉट करती हुई चल रही है और एक पीछे गाड़ी स्कॉट करती हुई चल रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज आप जो दिखा रहे हैं हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, आप कह रहे हैं दो गाड़ियां पुलिस की आगे एक गाड़ी पीछे स्कॉट करते हुए चल रही है, जबकि मात्र विधायक हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे यूपी ब्यूरो चीफ। वीरेश, पंकज ने जो तस्वीर दिखाई है और जो बात कही है उसके बड़े राजनीतिक मतलब है। बिल्कुल शिवपाल यादव अभी एक विधायक मात्र है और इतनी पुलिस सुरक्षा उनको प्राप्त है इस वक्त जेल जाते और जेल से वापस आते वक्त। वीरेश, जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानता है, देखता है, महसूस करता है और जानना चाहता है, उसके लिए बात बहुत मायने रखती है। देखिए, जो पंकज हैं उन्हें लखनऊ भी आना चाहिए, और एक विधायक के तौर पर जो आवास दिया गया है शिवपाल यादव को, उस आवास को भी देखना चाहिए, जिसमें शिवपाल यादव का प्रसपा की का दफ्तर चलता है, वो मायावती के पास था,
मायावती से छुड़ाने के बाद उस आवास को दिया गया आवास के नाम पर। वो आवास किसी मंत्री की भी चाहत होगी कि उस आवास को लिया जाए। तो पंकज का ये कहना कि मात्र विधायक हैं शिवपाल यादव और जो एस्कॉर्ट है आगे पीछे चल रही है, तो शिवपाल यादव मात्र विधायक ही नहीं है बल्कि यूपी की सियासत के एक बहुत बड़े फेस हैं और चार पांच जो फेस हैं, चेहरे हैं इस 23 करोड़ की जनता में सियासत करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में पांचवें या तीसरे या चौथे नंबर के नेता होंगे जो हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनके इर्द गिर्द चर्चा घूमती रहती है। और पंकज को अगर सीतापुर से आकर एक बार प्रसपा का ऑफिस जरूर देखना चाहिए कि एक विधायक के तौर पर जो उन्हें ऑफिस दिया गया है और वो आज से चार साल पहले दिया गया था, चार पाँच साल पहले जी, तो जी। उसके मायने क्या होते हैं, तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो एस्कॉर्ट है वो जाहिर सी बात है मिलनी ही चाहिए शिवपाल यादव को। तो इन सब चीज़ों के जो मैं कह रहा हूँ उसके मायने होते हैं। शिवपाल यादव यूपी की सियासत को डमरू की तरह नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसलिए शिवपाल यादव की अहमियत है। शिवपाल यादव प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, मैं कह रहा हूं कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी बनी हैं जो राष्ट्र क्या एक जिले की होती हैं लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन शिवपाल यादव जी, शिवपाल यादव की आप वीरेश बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव डमरू की तरह जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ऐसी छवि ऐसी चीजें बनती दिखाई दे रही हैं वीरेश। लेकिन थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इस सारे खेल के पीछे का रिंगमास्टर कौन है, उस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने शिवपाल यादव की बात की है इसलिए जेल से बाहर निकलने के बाद जो उनके बयान आते हैं वो अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। पहचान थी समाजवादी, समाजवादी की पहचान थी। आप किस साथ जा रहे हैं आजम साहब? ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा और जब उचित समय होगा तब सब बातें आपके सामने आ जाएगी, सब बातें आपको बता दी जाएगी। उचित समय आएगा तब। वीरेश ये देखिए हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं शिवपाल यादव के लखनऊ जाने की, उनके स्कॉट की, वो तो दर्शक हमारे देख ही रहे हैं और पंकज लगातार उनके साथ चल रहे हैं जैसा कि आप अभी उन्हें सजेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन इस खेल का रिंग मास्टर कौन है इस पर बात करके इस बात को समाप्त किया जाए वीरेश तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूर शिवपाल केंद्र में है लेकिन रिंग मास्टर कौन है? देखिए इस पूरे सियासत का जो रिंग मास्टर वही होगा जो जिसके रिंग में दम होगा, और इस समय यूपी की सियासत में, देश की सियासत में रिंग मास्टर भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है, वही रिंग घुमा रहा है, बाकी सब मोहरे हैं, यहाँ रख दो वहाँ रख दो, ये कर दो वो कर दो, बाकी यही रिंग मास्टर है, चाहे वो आजम खां हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, केशव देव मौर्या हो, जो चौहान हो, कोई भी हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल, रिंग मास्टर केवल एक है भारतीय जनता पार्टी। इसी अंडरलाइन वाली बात के साथ अभी फिलहाल हम ब्रेक लेंगे। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ इस सारे घटनाक्रम पर बता रहे हैं कि रिंग मास्टर कौन है और मोहरे कौन है, प्यादे कौन है जो आपको अलग अलग पोजीशंस पे दिखाई दे रहे हैं।